नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। ये जो ट्रेन है पाटलिपुत्र जंक्शन से रोजाना सुबह 11:05 पर चलती है और 26:48 बाद अगले दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस में दोपहर के 2:10 पर पहुंचती है और इसके तकरीबन 15 स्टेशन से 1680 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 63 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसका ट्रेन नंबर है 12142 और ये डेली ट्रेन है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये पाटलिपुत्र जंक्शन से अपनी यात्रा स्टार्ट करती है, फिर दानापुर होते हुए आरा में पहुंचती है, फिर बक्सर होते हुए ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, फिर प्रयागराज चिपकी होते हुए सतना जंक्शन में पहुंचती है, सतना के बाद जबलपुर इटारसी भुसावल मनमाड़ होते हुए नासिक रोड में पहुंचती है, नासिक रोड के बाद कल्याण जंक्शन होते हुए थाने होते हुए ये ट्रेन जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें पाटलिपुत्र मुंबई एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर आपको सभी कोचेस में जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। रिजर्वेशन के लिए आपको रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से आप ये टिकट किराया जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर बात करें फर्स्ट एसी की तो पाटलिपुत्र से मुंबई तक का जो टोटल किराया है वो है 4505 रुपये, जिसमें 4155 रुपये तो बेस पर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 215 रुपये है। टोटल किराया 4505 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं। सेकंड एसी का जो पाटलिपुत्र से मुंबई तक का जो टोटल किराया है वो है 2645 रुपये, जिसमें 2424 रुपये तो बेस फेयर है, 50 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, 126 रुपये GST चार्ज शामिल है। थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का पाटलिपुत्र से मुंबई तक का जो टोटल किराया है वो है 1840 रुपये, जिसमें 1667 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, 88 रुपये इसमें GST चार्ज भी जोड़ा जाता है। 1840 रुपये इसका टोटल टिकट किराया बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास की अगर बात करें तो तकरीबन किराया 700 रुपये है, जिसमें 650 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है। टोटल किराया 700 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 3 कोच हैं, 2 जनरल डिब्बों के कोच आगे की तरफ लगे हुए हैं, इंजन की तरफ लगे हुए हैं, एक पीछे की तरफ, जिसका किराया लगभग 410 रुपये के करीब है, जो कि मैं पाटलिपुत्र से आपको मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का बता रहा हूँ। फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार यानी कि रसोई कक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं पाटलिपुत्र से मुंबई तक चलने वाली पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कौन कौन से स्टेशन आते हैं। पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है पाटलिपुत्र जंक्शन से हर रोज सुबह 11:05 पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 26:48 बाद ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस में अगले दिन दोपहर के 2:10 पर पहुंचती है और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं और 1680 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है दानापुर पटना, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 11:20 पर पहुँचती है और 11:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है आरा जंक्शन बिहार में पहुँचती है। आरा जंक्शन बिहार में सुबह 11:51 पर पहुँचती है और 11:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 45 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है दोपहर के 12:37 पर और 12:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 114 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बक्सर के बाद ये ट्रेन जो है जमनिया रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 1:11 पर और 1:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर डेली ओवरटेक होता है इसका। इसके बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में
दोपहर के 2:50 पे पहुंचती है और 3 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद प्रयागराज चिपकी जंक्शन में शाम के 5:03 पे पहुंचती है और 5:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन में रात के 8 बजे पहुंचती है और 8:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 521 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर रेलवे स्टेशन पे रात के 10:30 पे पहुंचती है और 10:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 710 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 2:10 पे पहुंचती है और 2:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 955 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इटारसी जंक्शन का स्टेशन कोड है ईटी। यहां पर कमायनी एक्सप्रेस के साथ डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद भुसावल जंक्शन महाराष्ट्र का जो पहला स्टेशन है यहां पर ट्रेन जो है सुबह 7:05 पे पहुंचती है और 7:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1262 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी यहां पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद मनमाड़ जंक्शन में यह ट्रेन जो है सुबह 9:33 पे पहुंचती है और 9:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1445 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है नासिक रोड महाराष्ट्र में सुबह 10:32 पे पहुंचती है और 10:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। कल्याण जंक्शन महाराष्ट्र में दोपहर के 1:12 पे पहुंचती है और 1:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1651 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो थाने रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 1:32 पे पहुंचती है और 1:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1670 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई में दोपहर के 2:10 पे पहुंचती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है 1685 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ पाटलिपुत्र मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।